प्रदेश में सेब सीजन की शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश सरकार के फैसले के बाद इस साल सेब यूनिवर्सल कार्टन में फल मंडी पहुंच रहा है, लेकिन सिंगल लेयर यूनिवर्सल कार्टन भी क्वालिटी बागवानों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। भाजपा ने इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिमला में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता व विधायक बलवीर वर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस साल प्रदेश में यूनिवर्सल कार्टन लागू करने का फैसला लिया है, लेकिन इस कार्टन की क्वालिटी बेहद खराब होने से बागवान को सेब का नुकसान हो रहा है। जैसे हमारे दूरदराज के क्षेत्र हैं, उसमें बागवान लेबर से और खच्चरों पर सेब का ढुलान करते थे, इसमें वो ढुलान नहीं हो रहा। ये पेटी बिल्कुल ही सिंगल कार्टन है और ये बिल्कुल खत्म हो रही है। जब दूरदराज के क्षेत्र से सेब इसमें ला रहे हैं, रोड साइड के लिए ला रहे हैं, और गवर्नमेंट ने पहले इसको ग्राउंड लेवल में बागवानों से पूरी डिस्कस करके लागू नहीं किया है, एकदम ऊपर से बागवानों के ऊपर थोपा है। और हिमाचल प्रदेश में सभी जिलों के बागवान इस कानून के थोपने से बहुत हताश और हताश हो रहे हैं। इससे सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है, बाहर की मंडियों में, हिमाचल प्रदेश से बाहर की मंडियों में आप टेलीस्कोपिक कार्टन से सेब बेच सकते हैं और उसमें कहीं भी कोई पाबंदी नहीं है। बागवानों को इसमें 6 महीने 1 साल की रिलैक्सेशन देकर जिनके पास स्टोर है, जिनके पास अवेलेबल है स्टोर में, वो उसको यूटिलाइज कर सके। और आगे के लिए जो यूनिवर्सल कार्टन है, इसके बॉक्से की जो थिकनेस है, पहाड़ी क्षेत्र है, दूरदराज का क्षेत्र है, इसको भी आप प्रॉपरली इसको देखें कि सेब डैमेज ना हो इसमें, इसके लिए भी अलग से इसकी मापदंड बनाएं। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस सरकार ने वामपंथी मित्रों के दबाव में आकर जल्दबाजी में यूनिवर्सल कार्टन लागू करने का फैसला ले लिया, जिसका नुकसान अब बागवानों को झेलना पड़ रहा है। चेतन ब्राक्टा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इस साल सेब में बीमारियां लग रही है, लेकिन सरकार ने अभी तक इसे लेकर एडवाइजरी तक जारी नहीं की है। सेब